श्रीजी इवेंट्स एंड डेकोरेटर्स। हमारे यहाँ बर्थडे पार्टी, स्टेज डेकोरेशन, फ्लावर डेकोरेशन, बैलून डेकोरेशन, फ्रूट एंड आइसक्रीम स्टॉल, डिजिटल फोटोग्राफी, मॉडर्न फोटो। हरिद्वार मणिबाग की खानपुर रेंज के सिकरोड़ा से सटे जंगल में एक आदमखोर गुलदार ने दहशत का माहौल उस वक्त पैदा कर दिया जब गाँव के सैकड़ों कुत्तों ने आदमखोर गुलदार को चारों ओर से घेर लिया और किसी तरह गुलदार ने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई, मगर ग्रामीणों में दहशत अभी तक बनी हुई है। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए बताया कि सुबह से अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है, मगर अधिकारी घटनास्थल पर आने को तैयार नहीं है। अधिकारी अभी भी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि गुलदार इतना आदमखोर हो गया है कि पहले भी चार वारदातों को अंजाम दे चुका है, जिससे ग्रामीण पूरी तरह से घायल हो चुके थे। अब सवाल वन विभाग की लापरवाही पर उठना लाजमी है। ग्रामीणों के बार बार फोन करने के बाद वही अधिकारियों का ना पहुंच पाना अपने आप में एक बड़ा सवाल पैदा करता है। क्या ग्रामीणों की सुरक्षा वन विभाग की नहीं है? अगर है तो अधिकारी मौके पर क्यों नहीं पहुंच पाते? वहीं इस बाबत जब वन दरोगा से सवाल पूछा तो कैमरे के सामने से बचते नजर आए, जिससे साफ तौर पर मीडिया के सवालों का जवाब शायद वन अधिकारियों के पास नहीं था, जो कि कई सवाल वन विभाग पर खड़े करते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दीप रमोला। डीएफओ साहब को भी चला देती थी फोन द्वारा और रेंजर साहब को भी देती थी, उनसे बात हो गई थी, लेकिन सुबह 7:30 बजे से ये टाइम आ चुका है, अब तक वन विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। वन विभाग अपनी जो बीच पे खानपुर रेंज के जो कर्मचारी है वो आए हुए हैं, लेकिन वो बेचारे क्या कर सकते हैं। इसका तो इंतजाम यही है कि इसको बेहोश करके पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है और बेहोशी से ही उतर सकता है ना, यहाँ पे जाल लग सकता है। अधिकारी लोग हैं वहीं जिले पे और खानपुर रेंज में बैठे हुए हैं और वहीं से वो बात फोन पे बात कर रहे हैं और यहाँ तक आने की उन्होंने अब तक जहमत नहीं। अच्छा, आगे अंधेरा भी होने वाला है? अब अंधेरा होने वाला है, ये तो रेंजर साहब और ये तो ये चाह रहे हैं कि पेड़ पर से भाग जाए। हमने इससे पहले भी 2 महीने पहले इसको अखबार में, पत्रकारों को और मीडिया को बताया था और वन विभाग वाले कर्मचारियों को बताया था। इसने हमारे गाँव के कई लोगों को घायल कर दिया मुसाई वाले मोड़, उसके बाद भी कोई इत्तला नहीं, लेकिन आज इत्तफाक ऐसा है कि इसे को कुत्तों ने घेर लिया है और ये कुत्तों की डर की वजह से जो है पेड़ पर चढ़ा हुआ। अब यानी कि 4:30-5 बजने जा रहे हैं और वन विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो अब तक मौका स्थल पर नहीं पहुंचे। अच्छा, अगर ये पकड़ा नहीं जाता तो चूक किसकी होगी? वन विभाग की चूक होगी, जो आला अधिकारी हैं जिनको सुबह 7:30-8 बजे इत्तला दे दी गई डीएफओ साहब को, जिले के मालिक हैं, उन्होंने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। शाम के 5 बजने जा रहे हैं तो कोई हादसा भी हो सकता है? हादसा तो इसने कई बार पहले भी जख्मी किया, लोग बाग अपने खेत बाड़ी में नहीं आ पा रहे हैं और बहुत खूंखार हो रहा है। आदम खो रहे हैं इन्हीं बड़े क्या सभी हैं यहाँ? नहीं, सुबह से फोन किया जा रहा है लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी नहीं पहुंच पा रहे। मेरा भी 1 घंटा पहले फोन करा था, आधा घंटा लगा मैं यहाँ पहुंच गया। तो कोई सुरक्षा का सामान भी नहीं, अगर कोई हादसा हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? डॉक्टर लोग आ रहे हैं, डॉक्टर लोग अब क्या करेंगे? आ गया सुबह से गुलदार आया हुआ यहाँ से। अच्छा, पेड़ पर चढ़ा, कुत्ते और बच्चे परेशान है यहाँ, खेत वाले भी बहुत ज्यादा, स्टाफ कोई आ नहीं रहा। तो फोन कितने देर पर लगी थी? सुबह से कर रखा फोन इंजर पे। अच्छा, अभी तक आए नहीं यहाँ तो खतरा है इससे? अजी खतरा देखो, पेड़ पर चढ़ा 40 फुट ऊपर।